हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग Realme C17 का इसमें हम लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे कि इसमें अगर आपका नेट जब चलाते हैं तो आपका नेट स्लो चलता है, तो उस टाइम आपका नेट स्पीड में आप कैसे चला सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम लोग का यहाँ पर फुल नेटवर्क है। फिर भी अगर कुछ भी सर्च कर रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे Realme न्यू मॉडल सर्च कर रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का सर्चिंग में भी बहुत स्लो नेट चल रहा है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं हम लोग, इसमें नेट स्लो चल रहा है। कभी कभी ना नेटवर्क बहुत स्लो चल जाता है, तो उस टाइम आपका नेटवर्क जो रहता है वो फुल स्पीड में कैसे चला सकते हैं, इसके बारे में आज बताऊंगा Realme C17 में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों हम लोगों को सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा में क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी सिम रहेगा उसमें सेलेक्ट करना है, 1 में या 2 में जो भी रहेगा उसमें सेलेक्ट करना है। नीचे आपको क्लियर का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको देख सकते हैं ऑटोमेटिक रहता है, इसको ऑफ करके आपको मिनिमल कर देना है। मिनिमल जब जैसे ही कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका नेटवर्क सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आपका नेटवर्क सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट जैसे ही कीजिएगा दोस्तों, इसमें आपका 4G 2G और 3G आपका जो भी रहेगा, एंड जियो का रहेगा तो डायरेक्ट 4G आता है, और अगर आपका एयरटेल का रहेगा तो आपका 2G 4G जो 3G भी आता है। तो इसमें आपका एयरटेल, इसमें हम लोग एयरटेल चला रहे दोस्तों, इसमें हम लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को 4G सेलेक्ट करना है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग सर्चिंग में आ चुका है। देख सकते हैं सबसे ऊपर में एयरटेल 4G को हम लोग सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को मिनिमल ही रखना है दोस्तों, मिनिमल रखने से दोस्तों होता क्या है, कभी कभी आपका जो नेटवर्क 2G में पकड़ लेता है वो हम लोगों का नेटवर्क 2G नहीं पकड़ेगा, इसमें एनी टाइम आपका 4G नेटवर्क रहेगा और आपका जो नेट रहेगा पूरा फुल स्पीड में चलने लगेगा। ये तो पहला ट्रिक हो गया दोस्तों। अगर फिर भी अगर आपका स्लो चलता है नेट, फिर भी अगर यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा नंबर में यहाँ पर हम लोगों का एयरटेल का आया या एयरटेल MMS का आएगा, तो ये सबसे ऊपर में सेलेक्ट है, यहाँ पर सिंपल देखो को रिसेट कर देना है। APN है, इसमें APN का सेटिंग रहता है, इसमें पूरा फुल रिसेट आपको कर देना है। फिर भी अगर आपका नेट अगर फिर भी स्लो चलता है तो सिंपल सबको नीचे आना है, यहाँ पर हम लोगों को एडिशनल सेटिंग मिलेगा। एडिशनल सेटिंग में आपको नीचे जाना है, बैकअप एंड रिसेट में जाना है। उसके बाद आपको ऑल डाटा में क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं रिसेट नेटवर्क सेटिंग का आपको पूरा क्लियर कर देना दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों का लॉक लगेगा, लॉक जो भी रहेगा आपका लॉक डाल के यहाँ पर आपको पूरा फुल रिसेट कर देना। जैसे रिसेट कीजिएगा दोस्तों, आपका नेटवर्क का जो भी इशू रहेगा, जो भी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अभी आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, इसमें जैसे हम लोग नेट स्पीड चला के इसका नेट स्पीड कितना है और अभी कैसे कैसे काम कर रहा है दोस्तों, अभी देख सकते हैं। अब थोड़ा देर पहले हम लोग चेक किए दोस्तों, नेट बहुत स्लो था। अभी हम लोग 4G सेलेक्ट करने के बाद इसका ऑप्शन आपको दिखा रहे कि हम लोग का नेट कितना स्पीड में चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों रियलमी न्यू मॉडल में सेलेक्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग को, जब हम लोग पहले खोले थे उस टाइम देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का पूरा स्पीड नहीं चल रहा था। अभी देख सकते हैं दोस्तों हम लोग को क्लिक करते करते यहाँ पर देख सकते हैं रियलमी का न्यू मॉडल 2021 5G तुरंत आ रहा है दोस्तों इसमें। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग का नेटवर्क पूरा फुल स्पीड में चलने लगा है। अगर आपका भी नेटवर्क प्रॉब्लम करता है दोस्तों, तो सिंपल सा आपको मिनिमल करना है सेटिंग में जाके, वहाँ पर नहीं तो अगर फिर भी नहीं चलता तो एडिशनल सेटिंग में जाकर बैकअप रिसेट में जाके आपको सिंपल सा नेटवर्क सेटिंग को आपको रिसेट कर देना है। आज के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो कॉमेंट जरूर करें।